तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहा, नृत्य नहीं करोगी? नहीं। ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को, जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य, इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय! हो, देवताओं को पकड़ कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गईं, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से। भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे, हमने भी दूर तक इनका पीछा किया, तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना कि भाग गए, तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। तो ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, समाप्त कर देता हूं इन्हें, आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाए। तारकासुर, ब्रह्मा जी मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्म देवाय नमो नमः। अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर, यहां तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय! देवराज इंद्र की जय! वर देवता मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? उन्हें तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ, इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार हों, तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास
किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार, किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताए मेरे वरदाता, क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं, अब तुम भी इसको अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अब कर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस, बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्ग लोक कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्ग लोक कैसे पहुंचता? जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंता और अहंकार ने जन्म लिया है उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर, तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। यह सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्ग लोक में पुनः स्थापित होंगी। नहीं, भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं, अरे ओ दुष्ट, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूं कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूं। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है, हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया। क्या असंतुष्ट होकर? भोलेनाथ, हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यह विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया।
अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे, उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें, हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार उसे तप का त्याग करने पर विवश करें। चर्चा करना चाहते हैं।